तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में उतरी म्यांमार की सेना। म्यांमार की सेना ने मुसलमानों पर अत्याचार का बौद्धों से लिया बदला, बौद्धों के मठ और स्कूलों पर किया हमला, 13 लोगों की मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी, FIR हुई दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन के नीचे दबी मिली नगर पालिका की सफाई मशीन, तो आजम खान समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज। आजम खान को फिर से जेल में डालने की बीजेपी ने की तैयारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगालेगी योगी सरकार, मुसलमानों के खिलाफ लेने वाली है एक और फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में CBI ED को लेकर भाजपा को लगा बड़ा झटका, ममता बनर्जी ने CBI ED के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव कराया पास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के फैसले पर विवादित ट्वीट करने के बाद बीजेपी नेता को मिली सरतन से जुदा करने की धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया सरकार गिराने का आरोप, कहा राज्यपाल बीजेपी के आसारे पर कर रहे हैं काम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रोहिंग्या मुसलमानों का म्यांमार की सेना ने लिया बौद्धों से बदला। म्यांमार में बौद्ध मठ के स्कूल पर सेना ने हेलीकॉप्टर से की फायरिंग, 13 लोगों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को पीट कर देश से बाहर निकालने वाले बौद्धों से आज म्यांमार की सेना ने बदला ले लिया है। म्यांमार में एक बौद्ध मठ के स्कूल पर सेना ने हेलीकॉप्टर से गोलाबारी की है, इसके बाद सेना ने गाँव में घुसकर भी फायरिंग की। इसमें 7 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई है, 17 अन्य बच्चे हो गए हैं। सेना का कहना है कि स्कूल पर कार्रवाई इस कारण की गई है क्योंकि विद्रोही सैन्य बलों पर हमला करने के लिए इस स्कूल का इस्तेमाल कर रहे थे, विद्रोही मठ में छुपे हुए थे। सेना ने आरोप लगाया है कि विद्रोही बौद्ध ग्रामीणों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, मुसलमानों पर हमला कर रहे थे और रोहिंग्या मुसलमानों को यहां से भगा रहे थे, उनका कत्लेआम कर रहे थे, इसलिए इस स्कूल पर हमला किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि म्यांमार की सेना ने मुसलमानों को बदला तुरंत ही बौद्धों से ले लिया है और कई स्कूलों पर हमला किया है और आगे इनकी गिरफ्तारी जारी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी, उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है और यह धमकी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद UP 112 के प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो भेजा गया जिसमें एक नागरिक द्वारा इन तीनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि एक जिम्मेदार नागरिक ने UP 112 कंट्रोल रूम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिंक भेजकर इस मामले की जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो FIR दर्ज कर ली गई है और व्यक्ति की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इससे पहले भी जान से मारने की धमकी उत्तर प्रदेश में मिल चुकी है और एक बार फिर से इन तीनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन के नीचे दबी मिली नगर पालिका की सफाई मशीन, आजम खान समेत 4 पर FIR। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के रामपुर से विधायक और दिग्गज नेता आजम खान पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब एक बार फिर आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान समेत 4 के खिलाफ FIR रामपुर में दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में जमीन के नीचे दबी हुई नगर पालिका की सफाई मशीन मिलने के बाद ये FIR पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 करीबी दोस्तों को पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया है, जिनका नाम अनवार और सालिम है। इन दोनों अभियुक्तों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर करीब 2 माह पहले वायरल हुआ था जिसमें दोनों लोग जुआ खेलते दिखाई दे रहे थे। वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वांछित चल रहे दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश भी कई बार दी थी लेकिन ये नहीं मिल पाए, लेकिन अब ये मिले हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि नगर पालिका की जो सफाई मशीन है वो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के नीचे दबी हुई है। पुलिस प्रशासन बिल्डर लेकर पहुंचा खुदाई की तो ये जमीन के नीचे मिली, उसके बाद आजम खान समेत उनके बेटे पर फिर से FIR दर्ज की गई, तो एक बार फिर से आजम खान को दोबारा से जेल में डालने की साजिश भाजपा ने उत्तर प्रदेश में रच ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगालेगी योगी सरकार।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में मदरसों के सर्वे के दौरान काफ़ी विवाद मचा हुआ है। यूपी में मदरसे के सर्वे के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सामान्य संपत्ति को प्रक्रिया का पालन न करके राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई गई वक्फ संपत्तियों की जाँच और सीमांकन कराने का फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए जांच एक माह में पूरा करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जो खरबों रुपये की हैं। अब योगी सरकार इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी और इन्हें अवैध बताएगी, क्योंकि वक्फ संपत्तियां जो है जिनके थोड़े बहुत कागज भी नहीं हैं और उनको अपने कब्जे में योगी सरकार लेगी। तो मदरसों के बाद जो मुसलमानों की संपत्तियां हैं उनको अब योगी सरकार कब्जे में लेने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भाजपा को दिया झटका। बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की अति सक्रियता पर लगाम लगाने के लिए प्रस्ताव किया पास। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्तारूढ़ टीएमसी ने सोमवार को राज्य में केंद्रीय एजेंसियों के अति सक्रिय आचरण के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कराया है, जिससे भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पहले प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया और विपक्ष द्वारा मामले में विभाजन पर जोर देने के बाद खुला मतदान हुआ, जिसमें ये 64 के मुकाबले 189 मतों से पास हुआ है। इस मामले में चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की ओर से जातियों की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को शायद पता ना हो, ये सब राज्य के बीजेपी नेताओं का गेम प्लान है। मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की गतिविधियों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नियम सभी के लिए समान होना चाहिए। ये सही नहीं है कि बीजेपी नेता बक्से जाएं और विपक्ष के नेताओं को पकड़ा जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद पर विवादित पोस्ट करने वाली बीजेपी नेता को मिली सर तन से जुदा करने की धमकी। या दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर में सदर थाना अंतर्गत अपना घर आलीमार में रहने वाली एक भाजपा नेत्री को सर तन से जुदा करने की धमकी भरा लेटर मिला है। महिला ने अपने फेसबुक अकाउंट पर ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उसे धमकी दी गई है। लेटर में लिखा है कि तेरा भी वही हाल होगा जो उदयपुर वाले कन्हैयालाल का हुआ। ज्ञानव्यापी मस्जिद हमारी है, इंशाअल्लाह हमारी रहेगी। सर तन से जुदा की धमकी भरा एक पत्र अलवर में एक भाजपा की कार्यकर्ता चारुल अग्रवाल को मिला, जिससे हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि चारुल ने 13 सितंबर को व्हाट्सएप पर ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोई पोस्ट डाली थी, जिस पर उसे धमकी भरा पत्र मिला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी का बस चले तो ये सरकार गिरा दे। राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर यहाँ पर काम कर रहे हैं और राज्यपाल बीजेपी से मिले हुए हैं। राज्यपाल खुद चाहते हैं कि कितनी जल्दी हो ये सरकार गिरे। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि सरकार यहाँ पर गिरने वाली नहीं है और ये सरकार पूरी 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और आने वाले समय में दोबारा से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लंपी बीमारी को लेकर बाबा रामदेव ने किया दावा। देश भर में गायों में फैल रही लंपी बीमारी के पीछे है पाकिस्तान। या दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने देश भर में गायों में तेजी से फैल रही लंपी बीमारी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। स्वामी रामदेव ने कहा कि देश के कई राज्यों में लंपी संक्रमण तेजी से फैला है, इसमें उत्तराखंड भी शामिल है। संक्रमण से पशुओं की मौत हो रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि ये वायरस मानव निर्मित हो सकता है और संभव है कि पाकिस्तान से भारत आया हो। बाबा रामदेव हरिद्वार के भूपतवाला स्थित व्यास धाम में आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी वालकनंद गिरी से मुलाकात करने पहुँचे थे और यहीं पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही हैं। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को धूल चटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी विरोधी दलों को न्योता दिया। जब दोस्तों आपको बता दें कि 2024 की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ बड़े विपक्षी दलों को भी जोड़ने की कवायद कर रही है। इसके लिए बाकायदा पार्टी की ओर से देश के विपक्षी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने RJD को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आधिकारिक तौर पर निमंत्रण भी दिया है। जानकारों का कहना है कि RJD नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अपनी भारत यात्रा में कई प्रमुख विपक्षी दलों को शामिल करेगी। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की प्रमुख विपक्षी दलों को जोड़ने की कवायद के समांतर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी प्रमुख विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की भाजपा को घेरने के लिए
कांग्रेस पार्टी काफी मेहनत इस समय देश में कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में आरएसएस नेता की हत्या के आरोप में पीएफआई नेता गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता एसके श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नेता को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में एसडीपीआई पीएफआई के कुल 9 अन्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने ही आरएसएस नेता की हत्या की है, जिसके सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटोज वायरल हुए हैं।